और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां संसद के बाहर विपक्ष ने प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी और कांग्रेसी सांसदों का ये पूरा प्रदर्शन चलता हुआ नजर आया। गुलाब और तिरंगे के साथ प्रदर्शन किया गया, बीजेपी सांसदों को गुलाब दिए गए हैं। तो संसद के बाहर ये पूरा प्रदर्शन, राहुल गांधी और कांग्रेसी सांसदों का ये पूरा प्रदर्शन चलता रहा। गुलाब और तिरंगे के साथ प्रदर्शन किया गया है, बीजेपी के सांसदों को विपक्षी दलों ने गुलाब दिए हैं। संसद के बाहर विपक्ष ने ये पूरा प्रदर्शन किया, हंगामा चल रहा है। शीतकालीन सत्र लोकसभा का और राज्यसभा का, और इन सब के बीच ये पूरा प्रदर्शन विपक्षियों की तरफ से, गुलाब के फूल और तिरंगे के साथ विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बीजेपी सांसदों को गुलाब का फूल विपक्षी दलों ने दिया है। तो ये पूरा प्रदर्शन संसद के बाहर, विपक्ष का ये जोरदार प्रदर्शन, जोरदार हंगामा देखा जा रहा है। और इन सबके बीच राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो भी कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठता हुआ नजर आया। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस मुद्दे को भटका रही है, लेकिन इन सबके दरमियान ये बड़ी तस्वीर है। आज हमने भी देखा, पत्रकार दीर्घा में सारे पत्रकार बैठे थे, उन्होंने भी देखा, सदन की कार्रवाई भी देखी। आते ही चीफ इशारा करते हो, पूरी सरकार खड़ी हो जाती है, सत्ता पक्ष खड़ा हो जाता है और सब लोग सदन में व्यवधान देते हैं। मेरा एक आकलन है, मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार संविधान पर चर्चा नहीं कराने देना चाहती, जो दो दिन निर्धारित है, इसके लिए वातावरण लगाया जा रहा है। मैं किरण रिजिजू जी को समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आप उपराष्ट्रपति को उसके जाति और धर्म के हिसाब से बांधेंगे? वो पद ऐसा है जिसकी गरिमा के खिलाफ है ये। और अगर मैं कहूं कि आप नेता विरोधी दल को इसलिए नहीं बोलने देते क्योंकि वो दलित समुदाय से आते, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाता हूं कि वो दलित विरोधी। दोनों अलग चीजें हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन और पार्लियामेंट का ना चलना। पार्लियामेंट के ना चलने के लिए हमारे बीजेपी के साथियों को आईना रखना होगा, क्योंकि संभवतः पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सत्ता पक्ष की क्या भूमिका होती है। एक अंग्रेजी के दैनिक ने बहुत अच्छा संपादकीय लिखा कि दोनों पक्षों को थोड़ा आगे बढ़ना होगा, लेकिन सत्ता पक्ष को कुछ ज्यादा आगे बढ़ना होगा।